प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है और b से छोटा है। जो ये r और b, ये और ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, इससे इसके बारे में कह रहे हैं। तो ये क्या है, समझते हैं। ये एग्जाम्पल से 3 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, बचेगा 1। इसे बोलते हैं शेषफल r और इसे बोलते हैं q, भागफल, ठीक है। और ये दो नंबर हमें a और b दे रखे हैं, तो मैं इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूं। 10 इज इक्वल टू 3 ये वाला इंटू जितने बार गया भाग इसमें 3 प्लस बचा जो रिमाइंडर 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखना। दूसरा एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 12, अरे मैंने तो ये तो 12 इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटू 0 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हो गया प्लस 5 ऐड कर देते हैं, इक्वल हो गए। ऐसी 20, 20 को हम 5 दे रखा है हमको, 5 से 20 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 4 टाइम, प्लस रिमाइंडर 0। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, तो यहां पर हमको जो दो नंबर दे रखे हैं इनको हम ए, इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए, इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए और इसको बी बोल रहे हैं। और जो हमारा यहां देखते हैं तो यहां क्या आएगा, देखो पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, इंटू जो हमने भाग दे रखा है, जितनी बार भाग गया ये क्यू हो गया हमारा, प्लस जो रिमाइंडर बचा आर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो बी है, मैंने यहां पर क्या है, आर की वैल्यू जो है बी से छोटी होनी चाहिए। तो यह आर की वैल्यू देखो, आप सब में देखो आर की वैल्यू इस बी से छोटी है। देखो 1 छोटा है 3 से, 5 छोटा है, 0 छोटा है 5 से, ठीक है, ये हो गया। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, हमने ऐसे बांट दिया। और ये अद्वितीय है कह रहा है, अद्वितीय का मतलब समझ लो, अद्वितीय मीन्स कि लिखने को मैं इसको, देखो पहला वाला एग्जांपल लेता हूं, 10 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 3 इंटू 2 टाइम किया मैंने, 3 2 जा 6 प्लस बचेगा कितना 4। तो अब अद्वितीय का मतलब होता है, ये कंडीशन भी दे रखी है इसने, इस कंडीशन में अद्वितीय होता है, ठीक है, ये मेन है, ये कंडीशन मेन है। तो यहां पर देखो इक्वेशन तो पर इक्वल है, बट है सही है, लेकिन इस प्रमेय का के अनुसार r ने b से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर r हमारा बड़ा हो गया b से, चेक करो, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अद्वितीय का मतलब समझ गए, तो अद्वितीय मतलब कि ये 3 और 1 के अलावा यहां पर और कोई नहीं बन सकता है, यहां पर ये 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं बन सकता है, ये दो नंबर अद्वितीय होंगे इस वाले के लिए, इन दो नंबर के लिए, 5 और 12 के लिए, 20 और 5 के लिए ये 4 और ये 0 अद्वितीय होगा। यहां पर 4 की जगह कुछ और नहीं आ सकता, जैसे मैंने यहां पर 4 की जगह 3 कर दिया, ठीक है, 3 कर दिया, 5 या 15 और कितना हो जाएगा, बचेगा 5। तो ये देखो 5 और 5 ये बी बराबर जाएंगे, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो ठीक है। अद्वितीय मतलब ये यही नंबर आएंगे, इनके अलावा और कोई अन्य संख्या नहीं आएगा, ऐसी सभी नंबरों के लिए, ऐसी किन्हीं भी दो संख्याओं को ले लो आप, उनके लिए इतना ये अद्वितीय रहेंगी, ये जो क्यू और आर होगा, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है।